54वीं जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में स्वच्छांजलि, जिसको इस वर्ष को मनाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, आज उनके चरणों में अपना पुष्प अर्पित करके उनको माल्यार्पण करके स्वच्छ भारत का जो संकल्प है, स्वस्थ भारत को जो संकल्प है उसे हम लोग दोहराते हैं। आज हम सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं समाज और देश के लिए जीता है तो उसका परिणाम यह होता है कि पूरा संसार उन्हें महात्मा मानता है। अभी G20 के अवसर पर जिस प्रकार से बापूजी की समाधि पर पूरे संसार ने बापूजी को अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित किया है, वह हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय। धन्यवाद। ये देवरिया में एक घटना हुई है, 6 लोग। हाँ, वो बहुत दुखद घटना का समाचार मैंने लखनऊ में देखा है, लेकिन उस घटना का जो भी सच होगा वो बाहर लाया जाएगा, जो उसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। एक संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बांट दिया जाए और मेरठ को उसकी राजधानी बनाए। अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं, देख जा रहा हूँ, आज जाऊँगा।